एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कहिए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। और ये देखिए, मेरे दिन की शुरुआत आज हो गई है किचन से। ये देख सकते हैं, मैंने दोपहर लंच के लिए सब रेडी करके मैं रख ली हूँ, क्योंकि बनाने में थोड़ा सा टाइम भी जाता है और कटिंग सेटिंग में भी समय हमारा निकल जाता है। इस वजह से मैंने सारा चीज़ रेडी पहले ही कर लिया है। और ये देख सकते हैं, ये है पोया का पत्ता। इसको जो लोग खाते होंगे वो लोग पूरी अच्छी तरीके से पहचान लिए होंगे देखते ही देखते। और यहाँ मैं थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स रखी थी बेटी के लिए, इसको मुझे भिगोना था बट मैं भूल गई थी, तो ऐसा ही पड़ा हुआ है। और यहाँ है चना, ये मैंने प्याज कट करके ले लिया है। और ये पोया का डंठल जो होता है ना, थोड़ा सा ये टाइट टाइट से हो गए थे, मैंने सोचा इसको आलू मिक्स करके बनाऊँगी और चना इसी में जाएगा मेरा। और यहाँ मैंने आम पका करके ले लिया है, इसका मैं बेटी को इसका पन्ना बना करके दूंगी। उसका थोड़ा तबीयत अभी ख़राब चल रहा है, तो इस वजह से मैंने पका करके छील उल के सारा चीज़ रेडी कर लिया है। इधर बादाम का चटनी है, देख सकते हैं मैंने पीस लिया है। बादाम का चटनी बहुत पसंद आता है बच्चों को मेरे, इसी वजह से। और मैं आज बनाने वाली हूँ कटहल की सब्ज़ी। ये देख सकते हैं, कटहल को मैंने कटिंग वगैरह कर लिया है। बहुत समय निकल जाता है, इस वजह से सारी चीज़ों को मैंने रेडी करके आपको दिखाना उचित समझी, इसीलिए मैंने सब चीज़ को फ्रेश एंड क्लीन कर लिया है पहले से ही। ये सब मेरे लंच में मेरा बनेगा। और मॉर्निंग में मैं नाश्ता वगैरह का सूट नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि सुबह थोड़ा सा जल्दबाजी हो जाती है। बेटी का भी क्लासेस स्टार्ट हुए हैं ऑनलाइन, तो थोड़ा सा टाइमिंग इधर उधर हो गया, तो उठने में थोड़ा सा मुझे लेट हो जा रहा है। और बाबू का भी क्लास अभी ऑनलाइन स्टार्ट कर दिए गए हैं, क्योंकि वैकेशन अभी लोग का दिया नहीं गया है। शायद मुझे लगता है 14 जून से स्टार्ट होने वाले हैं, तब तक के लिए ऑनलाइन है, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा हमारे इधर बढ़ चुका है। इसको देखते हुए छोटे बच्चों लोग का जो क्लास का जो टाइमिंग था, सॉरी ये क्लास का टाइमिंग नहीं, मतलब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दिए गए हैं, और 14 जून के बाद इन लोग का समर वैकेशन होगा। उधर छुट्टी भी चल रहा था बट इलेक्शन थे, इसका छुट्टी मिला था बच्चे लोग को। समर वैकेशन वाली छुट्टी अभी तक हमारे बच्चे को नहीं मिला है, और वो स्टार्ट होंगे 14 जून से। और इसी वजह से मैं दिन का मेन्यू, अपना लंच टाइमिंग या दिन का ब्लॉगिंग जो बोल सकते हैं, मैं नहीं कर पाती हूँ, तो मैं नाइट वाली फ्री होकर के एकदम से करती हूँ, क्योंकि दिन में पॉसिबल नहीं हो पाता है। सुबह के 7 बजे से मोबाइल व्यस्त हो जाता है, और अभी हुआ है उसका लंच टाइम का ब्रेक, जो मैं थोड़ा सा मोबाइल ले ली हूँ, और मैंने जल्दी जल्दी वो सब रेडी इसलिए कर ली थी और आप लोगों को दिखा रही हूँ। यहाँ पे आम का पन्ना बनाने के लिए मैंने मिक्सी जार में आम पका हुआ को ये पीस लिया है। उसके बाद मैंने इसमें जलजीरा काला नमक के साथ इसका घोल रेडी में कर लूँगी, क्योंकि जितना ही पतला ये बनता है घोल ना, उतना ही टेस्टी फुल लगता है। और ये घोल में अभी फ़िलहाल में पापा मेरे आए हुए थे, मैं उनके लिए रेडी कर रही थी। और यहाँ दाल को मैं पहले वॉश करती हूँ, उसके बाद मैं नमक हल्दी के साथ इसको पहले मिक्स एंड मैच कर लूँगी, उसके बाद जा कर के मैं पानी में डालती हूँ। क्योंकि इस तरह से ट्रिक कर लेने के बाद होता है कि बर्तन में दाल हमारा चिपकता नहीं है, और हमें मैस करने में बर्तन जो रहता है दाल वाली वो ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है, इस वजह से मैं ऐसा ही कर लेती हूँ। और ये जो पोया का पत्ता आप देख रहे हैं ना, इसको मैं दाल में मिक्स करूँगी, तो पहले छोटे छोटे स्लाइसिस में मुझे कटिंग कर लेना होता है। और साग कटिंग ये देख सकते हैं मैंने कितने पतले पतले से कटिंग किए हैं, क्योंकि दाल में जाएगा। और यहाँ पे मैं बना रही थी आम की चटनी, जो पका हुआ आम था उसको मैंने थोड़ा सा निकाल लिया था, पन्ना बनाने से मैंने बचा लिया था, तो इसमें नमक और लाल मिर्च पाउडर ये सब दे करके मैंने ऐड कर लिया है सारी चीज़ों को। और यहाँ पर दोनों बेटी के लिए मैं लगा रही थी पन्ना, वो लोग अभी तक नहीं पिए थे तो मैं तैयार कर दे रही थी। और छोटी वाली बेटी भी इस दौरान तक स्कूल से आ गई थी, तो मैंने सोचा दोनों को साथ में ही पिला देती हूँ। ये देख सकते हैं, और बहुत टेस्टी बना था, ये पीने में भी हेल्दी था बहुत। और बेटी का तबीयत ख़राब था तो उसको अच्छा भी लगा, पसंद भी आया। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में बाकी कामों को निपटाने के लिए, तो चलिए मैं फटाफट से कर लेती हूँ सारे कामों को। तो पोया का पत्ता मैंने तो निकाल लिया था, रह गया था उसका डंठल, तो इस डंठल को मैंने आलू और चने के साथ में रेसिपी बनाई हूँ, बहुत टेस्टी बन के आया था, बहुत टेस्टी लगा था, बच्चों को फाइनली बहुत पसंद आ गया था। और ये देख सकते हैं उसका लुक इस तरह से आया था। और यहाँ पे कटहल मैं बना रही थी, तो मैंने कटहल को पहले नमक पानी के साथ में स्टीम पहले कर ही लेती हूँ,
उसके बाद बाकी चीज़ों को मैं इंग्रेडिएंट्स एक साथ में करती हूँ। जैसे कि देख सकते हैं कि मैंने प्याज को पहले भुना है यहाँ पे, उसके बाद मैंने एक टमाटर डाल के उसको अच्छे से पका लूँगी और इसमें तेज़पत्ता भी मैंने ऐड किया है। फिर सारे मसाले जाएंगे इसमें, तो सारे मसालों को भी मैंने एक साथ ही पीसा था। ये जो मसाला मैं यूज़ कर रही हूँ उसमें धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और जीरा पाउडर और काली मिर्च पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट और एक छोटा साइज का प्याज मैंने कट करके इसको साथ में ही मैंने मिक्सर ग्राइंडर में एक साथ ग्राइंड करके इसको पीस ली हूँ। और ये सब सारे मसाले मैं एक साथ डालूँगी प्याज में। ये मैंने डाल दिया है। तो कटहल भी लमसम मेरा बनने ही वाला था, क्योंकि ये देख सकते हैं क्योंकि 50% मैंने तो कटहल को ऐसे ही स्टीम करके बना लिया था, बस मसाले वगैरह फ्राई करके डालने थे, तो ये मैंने डाल दिया है कढ़ाई पर। और कटहल भी मेरा हमारा बहुत टेस्टी बन के आया था, बहुत टेस्टी। ऐसे भी कटहल तो सभी को पसंद आते ही आते हैं। और आज जो मैंने कटहल बनाया था काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बना था, ये देख सकते हैं। तो ये जो प्लेट मैंने रेडी किया था सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए, और यहाँ बच्चों को मैंने खाने दे दिया है। वगैरह मैंने धो लिया है, क्योंकि खाने के बाद फिर धो ये मेरे से नहीं होता है, मैं साथ ही साथ सारे काम को निपटा लेती हूँ, इतनी नानी खाना खाती हूँ। जो बनाने वाले बर्तन थे सारे धो दिए हैं, अब प्लेट्स सिर्फ रह जाएंगे और गिलास वगैरह ये सब। बच्चे तीनों मेरा खाने बैठे हैं और मैं अब निकाली हूँ अपना खाना। तो आइए लंच करते हैं साथ में। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो देख करके एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि मेरी वीडियो आप लोग को कैसी लगती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।